कर भी एक साथ नहीं रहते। लेकिन सर आपकी पत्नी इस वक्त कहां है? जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मुझ अपाहिज को मुझ लाचार को छोड़कर चली गई अपने आशिक के घर में। विशाल सर इतने अच्छे इंसान हैं, पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पत्नी के लिए इतना प्यार है उनके मन में। इतने नेक दिल इंसान को कोई कैसे इतना दुख पहुंचा सकता है? उनकी वाइफ ने उनके साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बस यही तो देखना चाहता था मैं, कितना दुख है इसे मेरी जिंदगी पर। बेचारी जानती नहीं कि सच्चाई क्या है। संजना के लिए तुम्हारी ये नफरत और मेरे लिए तुम्हारी ये हमदर्दी का मैं अच्छी तरह फायदा उठाऊंगा नर्स। आओ, मेरा मतलब सुना है ना?
सर मैं कम इन। ओ कम इन ज्योति, कम इन। सर इस फाइल पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। ओके। ये लो। And how are you? I'm fine, sir. सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू ज्योति। इस बदलाव के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सर आप इसी तरह खुश रहा कीजिए। या रवि को क्या होता जा रहा है? आजकल तो वो मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझता। पहले ही क्या मेरी जिंदगी में कम मुसीबतें थी? ये दो कौड़ी की ज्योति भी शामिल हो गई। मेरे और रवि के बीच दूरियां बढ़ाने वाली वो ज्योति ही है। रवि को मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रही है वो। लेकिन उससे पहले कि रवि हमेशा हमेशा के लिए उस सेक्रेटरी का हो जाए, मुझे उस ज्योति को अपने रास्ते से जल्द ही हटाना है। ऑफिस में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? क्या खाक ठीक चल रहा है मैडम? इस ऑफिस का तो नजारा ही बदला हुआ है और सबसे ज्यादा तो रवि सर बदल गए। अब उन पर इस ऑफिस की सारी लड़कियां लट्टू हो गईं। अब तो आपको रवि सर को ज्योति से ही नहीं बल्कि टीना, रूबी, शोभा, पूजा इन सबसे भी बचाना होगा। अपनी बकवास बंद करो जगजीत। मैडम आप तो नाराज हो गए, अब तो आप मजाक को भी सीरियसली ले लेती हैं। इस ज्योति ने तो मेरी जिंदगी को ही मजाक बना कर रख दिया है। और रवि, रवि पर भी पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया है। हाँ मैडम, ये तो नजर आ रहा है। खैर, सीरियस बात तो ये है मैडम कि मैं आपके दिए हुए काम को पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। यही नहीं, मैं ओवरटाइम भी कर रहा हूँ। काम तो आपने मुझे रवि सर और ज्योति पर नजर रखने के लिए दिया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने अजय सर के मन की परेशानी को बढ़ाने के काम को भी निपटा दिया है। मैंने काफी हद तक आपके काम को कर दिया है मैडम। वेल डन जगजीत, वेल डन। तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई सही काम किया और वो भी मेरी सलाह के बिना और अपने दिमाग से किया। वेल डन। इसी तरह मेरा साथ देते रहो जगजीत, बहुत ही जल्द तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा।
राज, बहुत हो गया, बहुत हो गया ऑफिस काम। पूरी रात से तुम सिर्फ अपना ऑफिस का काम ही कर रहे हो। अपनी हालत देखो, तुमने हालत क्या बना ली है अपनी। चलो जाके आराम करो, चलो। अच्छा बाबा सुनो, थोड़ा सा काम बाकी है, कर लेता हूँ फिर आराम करता हूँ। राज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम चलो चल के आराम करो। अरे मेरी बात तो सुन। राज मैं तुम्हें और काम नहीं करने दूंगी, मतलब नहीं करने दूंगी। चलो चल के आराम करो, जाओ ना राज। राज थोड़ा सा काम वो है ना, क्यों इम्पोर्टेंट पेपर जो कैसे फैला के रखे हुए, अगर मैं इन्हें सही ना करूं ना तो एक भी पेपर इसके हाथ नहीं आना। क्या करूं मैं राज को हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, बहुत थक गया है ना, उसकी थकान भी दूर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आ जाएगी। अभी लाती हूँ। राज ये लो मैं तुम्हारी हल्दी का दूध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज का यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स ओवरसीज में भी लॉन्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज के पास पहुंच जाएगी। आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए। अजय इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अजय
अजय, मैंने तुमसे कुछ सवाल किया? भैया वो मैं अजय, तुम ऐसा करो, फिलहाल अपने केबिन में जाओ। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुमसे बाद में डिस्कस कर लूंगा। जी भैया। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी तैयारियां चल रही है। आप आचार बना रही हो? लेकिन भाभी, आप ही आचार अपने कमरे में क्यों बना रही है? क्योंकि मैं बच्चों को सरप्राइज देना चाहती थी। रवि और अजय के लिए नींबू का आचार, तारा के लिए लाल मिर्ची का आचार और तुम्हारे और राधा के लिए आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा? इसको साफ कर दे। ठीक है, इसे आप आंवले का मुरब्बा बहुत लाजवाब बनाती हो। जानती हूँ। वैसे भाभी, आज तो सारा का सारा परिवार बहुत खुश होने वाला है। सबकी पसंद की चीजें जो बन रही है। वो कुणाल का है, उसने दवाई खा ली? हाँ भाभी, उसने दवाई खा ली। वैसे हमारी तारा कुणाल का काफी ख्याल रख रही है। तारा कितनी खुश रहने लगी है ना आजकल। मुझे लगता है कुणाल उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा, है ना? हाँ भाभी, वो तो है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुणाल के ठीक होते ही हम तारा और कुणाल की सगाई कर देते हैं। मैं ठीक सोच रही हूँ ना? ऑफ कोर्स भाभी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तारा और कुणाल की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। क्या सबसे साफ कर ले। लोग तो मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मेरा ऑफिस जाना भी बंद हो गया और डैड से तो बात तक नहीं हो पा रही मेरी। बस एक स्टूपिड टीवी रह गया देखने के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, तो अपने बाप की आवाज भी भूल गई?